के मसले पर बगर बात करें तो जो वज़रा खारजा का अजलास हुआ है जिसमें अरब और के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे उन्होंने भी फ़लस्तन के लिए और इसराइल के मसले के हल के लिए बहार टू स्टेट का ऐलान कर दिया है कि इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आता है और ये सऊदी जो हैं फ़ॉर मिनिस्टर उनकी जानब से स्टेटमेंट है एक तो ये बहुत खुशी की बात है कि सऊदी अरब जो है वो अब टेकिंग द फ्रंटल और उनके फॉरन मिनिस्टर की तरफ से खासतौर से पिछले दो तीन चार दिनों में जो बयान आए हैं उससे ये लगता है कि अब सऊदी अरबिया जो है फ्रंट फुट से लीड करेगा इस पूरी मूवमेंट को अच्छा, जैसे ही ईरानी प्रेसिडेंट की शहीद हुए हैं उसके बाद से सऊदी अरब फ्रंट अरबियसली सऊदी अरब के लिए खुला है ना मैदान खुला है ना कि इस वक्त अगर आप फलस्तीन कॉस को अपना लेंगे इसके ऊपर अपनी अपना यानी छाप लगा देंगे तो बहुत ये बेहतर हो जाएगी सूरत फलस्तियों के लिए भी और खुद उस खत् के बाकी के लिए, के, लिए के लिए, भी एक बात तो ये हो गया दूसरी बात यह है कि यकी तौर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम यूरोप के ममालिक से तीन बड़े ममालिक आयरलैंड नॉर्वे और बेल्जियम और ब, आ, और वो स्पेन उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम रियासत फलस्ती को तस्लीम करते हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाएंगे और में मतहदा में उनकी स्टेट हुड के लिए स्ट्रगल का हिस्सा बनेंगे रिप्रेजेंट yes, करेंगे आज ना बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट और होने जा रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास है खासतौर से अलजीरिया ने बुलाया वो वहाँ मेरे ख्याल से पूरी आलमी ज़मीर का इम्तिहान और हो। आलमी रया का इम्तिहान है अमेरिका की जो बेशर्मी की वारदातें हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से उसने पाँच के करीब रे, रेजोल्यूशन जो हैं उनको वीटो किया है बिल आखिर प्रेशर वहाँ भी बिल्ट अप हो रहा है वहाँ भी आपने देख लिया जामयात में क्या हुआ है आपने देख लिया वहाँ पर शहरों की सड़कों के ऊपर क्या हुआ है आपने देख लिया वहाँ के जीव बाहर निकल आए हैं उनकी हमायत में फलस्तनी की तो जो बाइडन साहब का इलेक्शन अपनी जगह लेकिन जो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसके आगे सरनगु होना पड़ेगा आज जो बाई नहीं, बाई कल, तो कल भी भी उस पर है ना मैं नहीं मांगू, मानूंगा देखिए वो वो बेचारा कैदी है उ, उस माफिया का जो पेंटेगॉन और सीआईए की सूरत में वहाँ मौजूद है जिसके ऊपर ज्यूज काबज जीव इसी तरह से बिजनेस लीड जो वहाँ की है उस सारी के ऊपर वो काबज़ है एक वक्त ये था कि यही ज्यूज तमाम जुडिशल सिस्टम जो है उसका उसके ऊपर भी काबज थे

उसमें एक अहम किरदार है उसके ऊपर बात करते हैं लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से जिक्र एक दफ़ा फिर एंटोनियो वोतरस का हो जाए जो सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जर्रेंग, उन्होंने फिर ये कहा है कि ये हॉल ना कि अब बंद होनी चाहिए क्योंकि पूरे गजा में अब एक इंच भी महफूज नहीं है यार फॉर गॉड सेक एक सौ बानवे के करीब बल्कि क्लोज टू टू हंड्रेड मुल्कों का एक अदारा है जिसका वो सरबरा है एज ए सेक्रेटरी जनरल वो ये कह रहे हैं इसको हीट टू पीपल शुड हीट टू इट ये जो तौर से जो सुपर पावर्स हैं उनको चाहिए कि उसकी बात को सुने और अगर नहीं सुनेंगे तो उसका नतीजा जो है वो यकीनी तौर पर निकलेगा नैतिन यावल साहब को थोड़ी सी शर्म आने की गुंजाइश निकली उन्होंने कहा कि जी वो गलती हो गई हमसे हाँ। वो जो हमने रफा, रफा के अंदर जो अटैक कर दिया मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा मतलब है दिस इज एब्सोल्यूट इडियोटिक स्टेटमेंट इसलिए कि तमाम तर वर्ड प्रेसर के बावजूद नहीं हम तो हम का खात्मा करके छोड़ेंगे इवन इफ द लास्ट पर्सन इज स्किल्ड इन गाजा वी विल डू दैट

दूसरी बात यह है कि वहां के जो स्पोक्स पर्सन है खासतौर से जानकर भी जान 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 है कर भी, जो कौमी सलामती के के उनके जो हेड हैं उन उनकी भी डिटाई का और बेशर्मी का लेवल जो है बहुत ही हाई है वो हर एक्ट नैतन याहू का जो है जस्टिफाई कर जस्टिफाई कर करते दिखाई देते हैं और वो ये कह रहे हैं खुले बंदों कि जी इसराइल का इन बंदों को मारने का इन खबन बच्चों के कत्ले का हक हासिल है ठीक है जी अच्छा जी अब ये हो गया जनाब दूसरी तरफ आप देखें तो मिस्र के फौजी की जो हलाकत है इसको तो इट शुड रिंग द अलार्म बेल्स अक्रॉस एक वो ऐसा बॉर्डर है रफा का बॉर्डर जो है जहां से वो पट्टी खुलती है इस तरफ इसराइली कब्जा है दूसरी तरफ इजिप्ट की फौज है अगर ये इस हद तक चले गए हैं कि फौजियों के ऊपर ये फायरिंग कर दें अटैक कर दें वो किधर है वो हमारा जमीर किधर है वो हम काहे के बने हुए हैं आपने सुना कोई एक आवाज अभी तक नहीं उठी इजिप्ट से इसलिए कि इजिप्ट जो कि एक करीब तरीन हमसाया था उसके ऊपर मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत का खात्मा करके जनरल सीसी को ला के हाँ। उसको टेम करके जिसको कहते हैं मुखनस बना दिया गया था पूरी कौम को ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ तो इतना पहले से इंतजाम उन्होंने कर लिया था इसी तरह से सीरिया जो एक दूसरा स्ट्रॉग होल्ड था एंटी इजराइल मलेशिया का उसको भी बर्बाद कर दिया कोशिश अमरीका ने नहीं की आपके सामने है दाइश को क्रिएट किया गया उनका करने के लिए तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये खुली आंखों से लोग देख रहे हैं चलिए जी उनकी तो बेगैरती समझ में आती है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं, और मुसलमानों को क्या हो गया है और मुसलमान ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर क्यों कुछ नहीं करते मुझे आप ये बताइए कि एड का रास्ता बंद है बाहर से कोई रसद नहीं जा सकती रुथलेसली दे आर किलिंग पीपल ऑफ गाजा जिस तरह मूली गाजर को काट देते हैं वैसे घाट किसी के पेट में दर्द नहीं है और ये इतनी इतनी, इतनी बड़ी फौजें हैं ये इतने इतने बड़े बम इका के लिए रखे हुए है। हैं मुझे बताएं आप एक इसराइल जो है उसकी हैसियत आप देख लें कितनी है कितना बड़ा वो मुल्क है उसके चारों तरफ मुसलमान ममालिक और सोए हुए हैं बेजमीरी की नींद में क्या किया जा सकता है उसका लेकिन अब जाके बल्कि मुझे इस बात पर और ज़्यादा अफसोस है और आज मुझे क्या चाहिए कि कुछ उस मुस्लिम मालिक ऐसे हैं उस खत्ते में जो इसराइल के पड़ोसी हैं वो तो कलेबोरेट कर रहे हैं इसराइल के साथ खास तौर से जॉर्डन के उन्होंने आधे मिसाइल और वो जो ड्रोन थे ईरान के वो तो उन्होंने गिराए थे हाँ, यस कि हमारी सर उन्होंने स्ट्राइक बैक ए, किया स्पेस के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इसराइल हमें उस, उसकी सजा दे, दे ये तो हाल है अनफॉर्चुनेटली लेकिन मुझे इस बात की खुशी है जमात इस्लामी को हमें खराजत हसन पेश करना चाहिए वो आज भी धरना दिए हुए बैठे हैं इस्लाम आबाद के अंदर गज़ा मार्च कह लीजिए उसको या गज़ा साथ जो सिपती और इजहार यकजहती के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम में अभी दम है हमें भी ये आवाज़ बड़े बुलंद तरीन तरीके से उठानी चाहिए हमारी yes. जामियात में भी इसके ऊपर हो भी रहे हैं लेकिन मजीद होने चाहिए जितनी भी आवाजें बुलंद होंगी उतना ही प्रेशर बनेगा बाइडन के ऊपर भी इसराइल के ऊपर भी खामोशी जो है ये इट इट इज कलेबरेटिंग विद इसराइल टू इनोसेंट बल्स यही बात है हम एक खामोश कातिल की तरह कोलैबोरेट करेंगे yes. अगर हम अपनी आवाज कर रहे हैं करेंगे।, करेंगे नहीं हाँ कर रहे हैं लेकिन आ, आप इसको आवाम को मत करें ये तो गवर्नमेंट के स्टेक में है गवर्नमेंट का ये काम है करने वाला थैंक यू सो मच बुखारी साहब नाजीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज